वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरठ रसोई। तो कैसे हैं आप? आज हम अपने किचन बनाने जा रहे हैं सबसे सस्ता शाही टुकड़ा। जी हाँ, ये शाही टुकड़ा बहुत ज़्यादा सस्ता है, घर की ही चीज़ों से आसानी से आप तैयार कर लेंगे इसको, और आपको इसको तैयार करने के लिए बाहर भागने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चाशनी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक कटोरी यहाँ पर चीनी ले ली है और एक कटोरी हम इसे पानी डाल देंगे। गैस को बिल्कुल ऑन कर लेंगे, फुल आँच रखेंगे गैस की, और हम इसको डिज़ोल्व होने तक, यानी कि चीनी को डिज़ोल्व होने तक पका लेंगे इसको। शाही टुकड़ा खाने में जितना मज़ेदार होता है, बनाने में उतना ही आसान है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी नहीं है, सिर्फ नाम ही इसका शाही टुकड़ा है, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो आपको बनाने में भी मज़ा आएगा और खाने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ही। तो यहाँ पर मैंने दो छोटी इलायची भी डाल दी थी ताकि इसका टेस्ट और अच्छा खुशबूदार हो जाए। अब मैंने यहाँ पर दूसरे पैन को चढ़ा दिया। अब हम यहाँ पर इसकी मलाई तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कटोरी दूध ले लिया है, गैस को यहाँ पर फुल रखेंगे, चलाएंगे दूध को और इसको गाढ़ा करने के लिए हम कॉर्नफ्लोर का यूज़ करेंगे। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर आप एक कटोरी में ले लें और उसमें दूध डालकर उसको स्लरी बना लें, यानी कि उसको एक घोल बना लें। ये देखिए, दूध तो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें वो घोल डाल देंगे जो कि हमने कॉर्नफ्लोर का बनाया है। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया था। आप देख सकते हैं अगर थिकनेस कम से आ रही है तो आप कम ही डाल लें, यानी कि 1 चम्मच ही डाल लें। और अब ये देखिए, डालते ही इसमें कितनी ज़्यादा थिकनेस आ गई है, एकदम ये गाढ़ा हो चुका है। और हम इसको अच्छे से बार बार चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। जल्दी जल्दी चलाएं आप इसको, यहाँ पर छोड़ें नहीं बिल्कुल भी, वरना तो ये गाढ़ा होकर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और पैन से चिपक जाएगा। तो इस तरह से जल्दी जल्दी आप इसको चलाते रहें, गैस को यहाँ पर हल्का कर दें। और अभी मैंने यहाँ पर दूध की फ्रेश मलाई है ये, यानी कि आज का ही दूध है यहाँ। ये सुबह ये गर्म किया था दूध और फ्रिज में रख दिया था, तो ये शाम तक इसकी एक अच्छी खासी मोटी मलाई जम चुकी है। तो यहाँ पर हम 3 चम्मच मलाई का यूज़ कर रहे हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मलाई डाल दी है और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस मलाई को हमें ज़्यादा नहीं पकाना, वरना तो मलाई का अपना घी निकलना शुरू हो जाएगा। बाकी की मलाई भी मैंने इसमें डाल दी थी और अब हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। बस ये क्रीम जो है 5 मिनट में बिल्कुल आपकी बनके तैयार हो जाएगी। और अब हम इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे, यानी कि एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे इसको और हम इसको अलग रख देंगे। ये हमारी मलाई तैयार हो चुकी है जो कि हम शाही टुकड़े पर डालेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे और उसके किनारे कट कर लेंगे। आप चाहें तो किनारे कट ना करें, लेकिन थोड़ा किनारे कट करने से प्रेजेंटेबल लगता है। और आप इसके अगर किनारे कट कर रहे हैं, इसके एजेस कट कर रहे हैं, तो आप इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। इसको फेंके नहीं, इसी तरह से हम सारे कट कर लेंगे और ट्रायंगल शेप में काट लेंगे उनको। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा रिफाइंड ऑयल लिया था, आप चाहें तो देसी घी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सस्ता शाही टुकड़ा बना रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ करना होगा। तो हम यहाँ पर पहले इसका टेम्परेचर चेक कर लेंगे। थोड़ा सा ब्रेड का पीस डालकर मैंने चेक कर लिया, टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है इसका। तो अब मैंने यहाँ पर ये स्लाइसेस डाल दिए हैं, मीडियम टू लो आँच रखेंगे इसकी, और इसको हम अलग पलट के फ्राई कर लेंगे अच्छे से, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है आपको, इसको भी हम अलग पलट के अच्छे से सेक लेंगे और ऑयल को अच्छे से निचोड़ लेंगे अच्छी तरह से बिल्कुल। और दूसरी तरफ हमारी चाशनी पककर तैयार हो रही है। मैंने चाशनी को दूसरे बर्नर पे शिफ्ट कर दिया था और लो उसकी मैंने आँच कर दी है। अभी देखिए, एक तरफ हमारी चाशनी पक रही है और इसमें एक तार आ चुका है, तो मैंने यहाँ पर गैस को बिल्कुल ऑफ कर दिया। और जो मैंने यहाँ पर ये फ्राई किए हैं ब्रेड के पीसेस, और मैंने इसमें ये डाल दिए हैं। आप चाहे तो इसको सॉफ्ट करने के लिए ज़्यादा देर तक डाल लें और कम फ्राई करें ब्रेड पीसेस को, लेकिन ये वाले शाही टुकड़े थोड़े क्रंची होते हैं। तो यहाँ पर आप 3 से 4 मिनट के लिए ही चाशनी में इनको डुबो कर रखें। इतने हमारे ये थोड़े सॉफ्ट होंगे और दूसरी तरफ हमारे बाकी का बैचेस तैयार हो रहे हैं, यानी कि दूसरे जो शाही टुकड़े के लिए जो ब्रेड पीसेस बचे हैं हम वो भी फ्राई कर रहे हैं। तो दोनों काम
एक साथ हो जाएंगे। दूसरे वाले फ्राई पीसेस भी इसमें डाल देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इनको भी भिगो देंगे इसमें चाशनी में। इसकी चाशनी जलेबी की चाशनी की तरह ही तैयार होगी। अभी देखिए सारे जो ब्रेड पीसेस थे मैंने सारे ही चाशनी में इनको डुबो दिया था 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि थोड़े से इसमें और सॉफ्टनेस आ जाए। तो तभी भी इसमें बाकी है थोड़ा क्रंच, क्योंकि ये हमने रिफाइंड में अच्छे से फ्राई किए हैं। अगर आपको क्रंच ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप पतली चाशनी तैयार करें और गर्मा गर्म ही इसमें डाल दें, तो जो है आपके शाही टुकड़े वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा शाही टुकड़ों में क्रंच चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर गर्म चाशनी का यूज़ नहीं किया है और चाशनी को थोड़ा गाढ़ा रखा है। तो इस तरह से हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। और अब हम ये जो हमने मलाई तैयार की है इसकी, ये अभी हम इस पर डाल देंगे। मलाई में हमने चीनी का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि चाशनी ही काफ़ी ज़्यादा मीठी होती है, तो ये इससे इसका बैलेंस हो जाएगा। यानी कि इसकी जो मलाई है जो हमने फीकी रखी है और जो चाशनी है, तो दोनों का मिक्सचर इसको बैलेंस कर देगा और एक अच्छा टेस्ट निकल कर आएगा इसका। आप चाहें तो पूरे मलाई डाल सकते हैं, पूरा कवर्ड कर सकते हैं इसको। अब मैंने यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे, लेकिन ये ऑप्शनल है, मैंने सिर्फ प्रेजेंटेबल बनाने के लिए डाले हैं। आप चाहें तो बिल्कुल भी ना डालें अगर आपके पास ना हो, क्योंकि ये मलाई और ये जो ब्रेड पीसेज हैं इसकी चाशनी ही काफ़ी होती है शाही टुकड़ों का टेस्ट लाने के लिए। तो लीजिए, बन के तैयार है हमारे मज़ेदार से शाही टुकड़े। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।